आपका क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ एंगल सी ए टी इज इक्वल टू 40 डिग्री देन एंगल सी बी ए इज इक्वल टू व्हाट। तो ये देखो उसने क्या बोला है, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले बोला है एटी इज द टेंजेंट, है ना, एटी इज द टेंजेंट। तो ये आपका टेंजेंट है, तो टेंजेंट वाला हमारे पास में एक ही थ्योरम है, क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये देखो आपका ओ ए इज द रेडियस, तो ये आपका बन जाएगा यहां पर 90 डिग्री, है ना। तो अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये अगर आपका 40 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो नाउ वी कैन से सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आपका हो गया 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है एंगल सी बी ए कहां पर है, सी बी ए ये वाला एंगल, दिस एंगल। अब देखो आपका बी ए क्या है, आपका डायमीटर, तो डायमीटर से अगर हम कोई भी एंगल बनाएंगे सर्कल के ऊपर तो क्या बनेगा, वो 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब आप ट्रायंगल ले लो, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो देखो आपका क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बी ए क्या हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 90 इज 140, तो 140 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपका आंसर इज 40 डिग्री। तो आप देखो कहां पर है वो, डी ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से करना है, बहुत बच्चों ने क्या किया, यहां पर ओ से सी तक एक लाइन खींच दिया, पता नहीं किस लिए। तो वो आपका कंफ्यूजन है, ये आपका देखो 40 है और ये टोटल इज 90, तो 90 माइनस 40 इज 50, और ये आपका क्या है डायमीटर, डायमीटर से कोई भी एंगल बनाएंगे दैट इज 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया। तो 50 प्लस 90 इज 140, 180 से 140 माइनस करेंगे वी विल गेट आवर आंसर 40 डिग्री, तो ये आपका 40 होगा।